सनसनी ऑफ इंडिया। थाना IGI एयरपोर्ट की टीम ने एक ऐसे जालसाज को दबोचा है जो भोले भाले लोगों को एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। जालसाज इतना शातिर था कि उसने बकायदा एयरपोर्ट टर्मिनल 3 स्टाफ के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। आरोपी किसी अनजान शख्स से बात नहीं करता था, केवल अपने फ्रेंड सर्कल को ग्रुप से जोड़कर एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने की पोस्ट डालकर झांसे में लेता था। लेकिन थाना IGI एयरपोर्ट की टीम आरोपी से 4 कदम आगे निकली और आरोपी की मोडस ऑपरेंडी से ही फेक जॉब रैकेट चलाने वाले जालसाज रोशन विहार नजफगढ़ निवासी हेमंत कुमार को दबोच लिया। तनु शर्मा DCP एयरपोर्ट ने बताया कि दिनांक 2 सितंबर 2022 को सोनीपत हरियाणा निवासी प्रवीण नाम के एक व्यक्ति के साथ 10 और अन्य लोगों ने मिलकर थाना IGI में शिकायत दी थी कि एक शख्स ने उन लोगों को एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर चीटिंग की है। आरोपी ने उन सभी से सिक्योरिटी मनी के रूप में 10-10 हजार रुपए लिए हैं। उन्हें 25 हजार रुपए प्रति माह सैलरी देने की बात बताई थी। शिकायत मिलने के बाद थाना IGI में FIR संख्या 362/2022 धारा 406/420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भोले भाले और बेरोजगार लोगों के साथ नौकरी का झांसा देकर हुई ठगी के मामले को तनु शर्मा DCP एयरपोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया और आरोपी को जल्द से जल्द दबोचने के लिए ACP वीरेंद्र मोर की सुपरविजन व यशपाल सिंह SHO थाना IGI के नेतृत्व में SI मुकेश कुमार व हेड कांस्टेबल नितिन की एक टीम का गठन किया। टीम ने शिकायत पर छानबीन शुरू की। टेक्निकल सर्विलांस से नजर रखी तो पता चला कि आरोपी ज्यादातर समय अपना फोन ऑफ रखता है और केवल वाईफाई कॉलिंग से ही फ्रेंड सर्कल से संपर्क करता है। SI मुकेश कुमार ने आरोपी को दबोचने के लिए लोकल इंटेलिजेंस का जाल बिछाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि आरोपी कब अपने घर आता है कब जाता है कोई समय नहीं था। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस से आरोपी की लोकेशन खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरोपी इतना शातिर था कि कॉल करने के तुरंत बाद अपना फोन बंद करके हर थोड़ी देर बाद अपना ठिकाना बदल देता था। जांच में यशपाल सिंह SHO थाना IGI को एक खास बात पता चली कि आरोपी व्हाट्सएप पर एक्टिव है। आरोपी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 स्टाफ नाम से बनाए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोगों को अभी तक नौकरी का झांसा देकर ठगी कर रहा है। यशपाल सिंह SHO थाना IGI ने आरोपी की मोडस ऑपरेंडी से ही आरोपी को दबोचने की चाल चली। साइबर टीम की मदद से आरोपी के व्हाट्सएप ग्रुप को खंगाला तो कुछ ऐसे लोगों का पता चला जिनको आरोपी नौकरी के नाम पर ठगने की योजना बना रहा था। टीम को आरोपी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति का नंबर मिला जो नौकरी के नाम पर पैसे देने वाला था। टीम ने उससे संपर्क कर विश्वास में लिया और आरोपी को यह बोलने को कहा कि वो नौकरी हर हाल में चाहता है, नौकरी के लिए कोई भी कीमत दे सकता है, लेकिन उसके पास नगद पैसा पड़ा है इसलिए बैंक या पेटीएम आदि में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। यशपाल सिंह SHO थाना IGI की चाल कामयाब हो गई। आरोपी ज्यादा पैसों के लालच में मिलने को तैयार हो गया। टीम ने ट्रैप लगाकर मात्र 5 घंटे के अंदर ही आरोपी हेमंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मकान नंबर 26B ब्लॉक रोशन विहार नजफगढ़ निवासी हेमंत कुमार पुत्र राजकुमार के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि वो सिर्फ इन 10 लोगों से ही नहीं बल्कि और भी लोगों से इस तरह की ठगी की है। उसने पुलिस को बताया कि वो सोनीपत के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसके बाद वह सोनीपत से दिल्ली आ गया। यहां 2 अलग अलग कंपनियों में मेंटेनेंस ऑपरेटर के रूप में एयरपोर्ट पर काम किया। उसी दौरान उसे पता चला कि जॉइनिंग के समय उसे ब्लैंक एरोड्रम एंट्री परमिट एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता था, जिसके आधार पर आई कार्ड बनता था। उसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने इस तरह के काफी सारे फॉर्म इकट्ठा कर लिए। फिर उसने सोनीपत में अपने कुछ जानकारों को जॉब दिलाने के नाम पर संपर्क किया, सबसे 10-10 हजार सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, लोगों ने उसके वॉलेट में अमाउंट को ट्रांसफर किया। विश्वास जगाने के लिए वो लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ रिज्यूम की कॉपी भी एप्लीकेशन के साथ मंगवाता था। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया है। छानबीन में पता चला कि उसने एयरपोर्ट टर्मिनल 3 स्टाफ नाम से एक ग्रुप बना रखा था। ग्रुप में फ्रेंड सर्कल से जुड़े लोगों को एड कर नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाकर ठगी करता था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू।
देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।